क्रिकेट सटोरियों की टूटी कमर, आधा दर्जन सातिर सटोरिये दबोचे गए, एक लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, एक कार और कई डेबिट कार्ड बरामद। पूछताछ में सामने आया आगरा कनेक्शन, मास्टरमाइंड निकला ताजनगरी निवासी, कई लोगों के नाम सामने आए, अब कसेगा हर एक पर शिकंजा। ये सटोरिये कई अन्य प्रदेशों में जाकर होटल रूम किराए पर लेकर वहाँ से करते हैं ऑपरेट। मेनपुरी टीम की त्वरित व रणनीतिक कार्रवाई से सटोरियों में मचा गौर हड़कंप। नवबारा समाचार, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से मुनीष मिश्रा। ये पूरा मामला थाना भोगांव जनपद मैनपुरी का है। इसमें हमारी सर्विलांस टीम के प्रभारी जोगिंदर यादव और साथ ही उनके अमित चौहान और बहुप सिंह, इन तीनों पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में और इनके द्वारा वर्कआउट करने के लिए टीम लगाई गई थी। क्रिकेट मैच के क्षेत्र में सट्टेबाजी का धंधा यहाँ पे चल रहा है, ऐसी सूचना मिली थी। उन्हीं को बस्ट आउट करने के लिए टीम लगाई गई थी, इनको सफलता मिली है। और एक अंतर जनपदीय गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और इस अंतर जनपदीय गैंग के 6 शातिर सटोरियों को हमारी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में सट्टेबाजी से संबंधित सामान बरामद हुए हैं, जिसमें एक लैपटॉप है, 16 मोबाइल फ़ोन है, इसके अलावा डेबिट कार्ड्स हैं, कुछ कॉपी पेन इत्यादि भी मिले हैं और एक कार भी इनके कब्जे से बरामद की गई है। पूछताछ में बात सामने आई है कि इनका जो मास्टरमाइंड है, जो मास्टरमाइंड सरगना है, वो आगरा का निवासी है, आगरा में रहता है। दो सगे भाइयों का नाम सामने आया है, जॉली गुप्ता, बबलू गुप्ता और इनका एक साथी है अज्जू लंगड़ा, इस तरह के नाम सामने आए हैं। ये आगरा निवासी हैं। और पूछताछ में एक बात और सामने आई है कि ये विभिन्न राज्यों में जा कर के, विभिन्न जनपदों में जा कर के, विभिन्न राज्यों में जा कर के ये होटल के कमरे किराए पर लेकर वहाँ से ऑपरेट करते हैं। पुलिस से बचने का हर सूरत में ये प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी मैनपुरी पुलिस टीम ने और सर्विलांस टीम ने मिल करके इनका भंडाफोड़ किया है। आज 6 शातिर सटोरियों को हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद न्यायालय के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ और भी नाम सामने आए हैं जिनकी सूची बन गई है और आने वाले दिनों में उन पर भी कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।